हाय एवरीवन, हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय सेवन। तो थ्री डिजिट नंबर बताना है जो सेवन से डिवाइड हो या डिविजिबल है। तो थ्री डिजिट नंबर 100 to 999 तक है। इन्हीं के बीच में जो नंबर होगा सेवन से डिविजिबल है वही नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस बनाने का सबसे इजी तरीका है कि क्या करेंगे, जो हमारा रेंज दिया है 100 और 999, तो पहले 100 को डिवाइड करेंगे सेवन से, फिर 999 को भी सेवन से डिवाइड करेंगे, ताकि हमको एक सीरीज मिल जाए। अब कैसे उसको देखते हैं। तो सेवन रिमाइंडर 3, 7 4 28, रिमाइंडर 2। यानी कि हमको अगर इसमें से दो माइनस कर 100 में से दो माइनस कर देते तो जो हमको नंबर्स मिलता, जो भी नंबर मिलता वो क्या होता, सेवन से डिवाइड होता। तो अगर 100 में से 2 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 98, लेकिन ये तो 2 डिजिट नंबर है, हमको चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस 5 कर देंगे तो हो जाएगा 7, जो क्या हो जाएगा 7 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 100 में प्लस 5 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा जो सीक्वेंस बनेगा हो जाएगा 105। तो 105 प्लस 7 तो हो जाएगा 112 प्लस 119। अब ऐसे करके सीरीज मिलेगा। और अब लास्ट में है हमारा 999, तो लास्ट में हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा उसको पता करने के लिए हम करेंगे 999 को 7 से डिवाइड। तो इसको एकदम ऐसे जी में कर दे रहा है, 7 7 रिमाइंडर 2, 7 4 28, रिमाइंडर 1, 7 2 14, रिमाइंडर 5। तो अब हम इसे प्लस 2 करते तो ये 7 हो जाता, तो ये परफेक्टली डिवाइड हो जाता। लेकिन हम मालूम है क्या है कि हम इसमें प्लस 2 नहीं कर सकते, माइनस ही कर सकते हैं, क्योंकि प्लस 2 करने से ये 4 डिजिट नंबर के अंदर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस 5 कर देंगे, यानी कि 999 में से माइनस 5 कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 994। तो यही हमारा सीरीज बना। तो किसी भी सीरीज में अगर हमको पूछे कि कोई नंबर बताइए कि हाउ मेनी नंबर्स या थ्री डिजिट या फोर डिजिट नंबर्स डिविजिबल 4 7 8, कुछ भी पूछे, तो आपको जब सीरीज बनाना है तो क्या करेंगे, जो रेंज दिया है 100 दिया है 999 दिया है, इसको जिससे डिविजिबल बताएगा उससे डिवाइड करके आपको सीक्वेंस या सीरीज बना लेना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो इसमें हमको मिला क्या, ए हमारा फर्स्ट टर्म है 105, और डी का वैल्यू जानती है क्योंकि ए सेवन से डिविजिबल है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस 7 हो जाएगा। और टीएन यानी कि लास्ट जो हमारा नंबर है, एनर टर्म यानी कि जो एनर टर्म 994 है, तो इसको लिख देंगे टीएन इक्वल टू 994। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला होता है, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में सभी का वैल्यू निकाल रख देना है और एन की वैल्यू हमको फाइंड करना है, एन की वैल्यू मिल गई तो वही हमारा आंसर होगा। तो हो जाएगा 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो ये प्लस है तो इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, तो हो जाएगा 9 8 8 इक्वल टू
एन माइनस वन इंटू सेवन, तो 889 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू सेवन, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो डिवाइड करेगा, डिवाइड में चला जाएगा यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू 889 डिवाइड बाई सेवन, तो हो जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू सेवन जा सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन सेवन जा 49, तो एन माइनस वन की वैल्यू 127 आया है, तो इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एन इक्वल टू 127 प्लस वन, तो हो जाएगा एन की वैल्यू 128, यही हमारा आंसर है। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि हमको जो रेंज दिया है उसी रेंज से हमको सीक्वेंस या सीरीज बनाना है, और सीक्वेंस या सीरीज बनाने के लिए हमको जिस नंबर से डिविजिबल होगा, सेवन से डिविजिबल बताना है या फाइव से डिविजिबल बताना है या थ्री से या नाइन से, तो जो रेंज दिएगा उसको उसी से नाइन से डिवाइड कर देंगे, सेवन से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हम प्लस माइनस करके शुरू में पहले प्लस करेंगे और आखिरी में माइनस करेंगे। प्लस करने से मतलब कि अगर थ्री डिजिट में है तो थ्री डिजिट में ही रह जाएगा, और आखिरी में जो लास्ट वाला हमारा जो नंबर है 999, अगर उसमें अगर नंबर अधिक हो रहा है डिवाइड करने में, हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है उतना माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर इसमें प्लस करते हैं तो फोर डिजिट में चला जाता है। या ऐसे ही करके सभी क्वेश्चन को, अगर इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं हम।